गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा। और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था, और तब वो कहीं नौकरी करते थे, और नौकरी जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निर्मा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? गाइस, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब